अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे डीजी स्किल्स पे नड्डा डिजिटल मार्केटिंग की एक्सरसाइज नंबर 1 बैच 4 की। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, और अगर आपको सॉल्यूशन फाइल चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना मस्ट है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें वीडियो के नीचे। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो शेयर करें और लाइक करें। आ गए हम सिस्टम पे, और यहाँ पे जब हम आ गए, ये है जी आपकी एक्सरसाइज। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको बताई हुई है कि हम इस वर्ड में होनी चाहिए, फाइल ड्यू डेट के बाद नहीं होनी चाहिए, ये सारा ऐसा ही है। अब आपका ये है जी बेसिक सिनेरियो, 5 पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज होंगे। उसके बाद सिनेरियो ये है कि एक कंपनी है इवेंट प्लानर, ST इवेंट प्लानर उसका नाम है, उसने आपको हायर किया है फेसबुक वीडियो पोस्ट बनाने के लिए जो एग्जीबिशन करे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, ठीक है। और उस पर आपने पोस्टर बनाना है, और इवेंट जो है वो September 1, 2023 को होगा एम्पोरियम मॉल लाहौर में। टास्क ये है कि आपने कैनवा के ऊपर ये सारी चीज़ें करनी है, और आपने प्रोजेक्ट बनाना है फेसबुक वीडियो पोस्ट टेम्पलेट का यूज़ करते हुए, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने उसी टेम्पलेट के ऊपर इवेंट का नेम, वेन्यू और डेट जो है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो वो ऐड करनी है। तीसरा ये है कि आपने लोगो ऐड करना है वीडियो पोस्ट के ऊपर। चौथा ये है कि आपने म्यूज़िक ऐड करना है उस वीडियो के ऊपर। और पाँचवा ये है कि आपने वीडियो पोस्ट जो है वो डाउनलोड करके बतानी है उनको, ठीक है। इस तरह से आपने ये जो है फॉर्मेट बना के रख लेना इसके ऊपर, MS वर्ड के ऊपर या जो भी आप बनाना चाहते हैं, गूगल डॉक्स पे भी बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम अपने सॉल्व कर लेते हैं। आ गए हम यहाँ नेट गूगल में, और ये है रिसर्च बार आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आप कैनवा लिखेंगे तो आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। मेरे पास पहले से ऑप्शन आ रही थी, तो ये इस तरह से ओपन होगा। और यहाँ पे आपने ये जो आपको सर्कल क्रिएटिव डिज़ाइन के साथ सर्कल नज़र आ रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी सिर्फ जीमेल सेलेक्ट करेंगे और आपके जो है इसमें लॉगिन हो जाएंगे। बड़ा आसान सा प्रोसीजर है, कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है आपका, तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे। अब आपके सामने नज़र आ रहा है कैनवा लिखा हुआ 3 लाइंस के साथ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके पास आएगा, फॉर यू डॉक्स वाइट बोर्ड्स प्रेजेंटेशन सोशल मीडिया, इसके साथ आपको नज़र आ रहा है वीडियोज़। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे इजी टू असेंबल वीडियो के नीचे आपको थर्ड वजह आके नज़र आएगी फेसबुक वीडियो, मोबाइल वीडियो के साथ फेसबुक वीडियो। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह से इंटरफेस आएगा, मतलब कि आपके पास एक जो है खाली कैनवास इस तरह से आपको नज़र आएगा, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से वीडियो जो है जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहें अपनी पसंद का, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उस पर अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इवेंट प्लानर लिख लेते हैं, क्योंकि वो इवेंट प्लानर है तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खूबसूरत नहीं आ रही थी, ये हमने कर लिया चूज़। और इसमें से आप और भी ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं, ये है एक, उससे नीचे भी आपको एक फॉर्मेट नज़र आ रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये चूज़ किया सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हम जी ये एग्जीबिशन लिखा गया, लेकिन हमने यहाँ पे ST इवेंट प्लानर लिखना, ठीक है। अब आप ये आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स भी एक आ जाएगा, जो भी आप मोर फर्दर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक कर लिया, और यहाँ पे हमने चेंजिंग जो है वो कर लेते हैं। जहाँ पे हमने टेक्स्ट एग्जीबिशन लिखा था ना, वहाँ पे हमने लिखना जी ST इवेंट प्लानर, क्योंकि ये जो है प्लान इनका नाम, मतलब कंपनी का नाम हमने यहाँ पे लिखना। और ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे हम नीचे से कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको खूबसूरत सा बना के यहाँ पे लिख लेते हैं जी टेक एग्जीबिशन, ठीक है जी। बहुत इजी सा काम है, आपको जैसा पसंद आया आपने उसी तरह से कर लिया। एक ये हमने चूज़ कर लिया, और इसको मैं जल्दी से टाइप कर लेती हूँ, आपने भी इसी तरह से कर लेना। और अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो थोड़ी सी स्लो करके देख लें या बार बार देख लें। इसके लिए ना हम स्क्रीनशॉट स्निपिंग टूल पे जाएंगे, और ये इतने से पार्ट का न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्निपिंग, इस तरह से स्क्रीनशॉट आ जाएगा। और ये स्क्रीनशॉट हम अपने फर्स्ट टास्क में प्रोवाइड करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे और इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। सेकंड है जी आपने वेन्यू नेम, इवेंट नेम और डेट जो है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो ऐड करनी थी, ठीक है। अब हम जाएंगे दोबारा अपने यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम ये एम्पोरियम मॉल वेन्यू वगैरह डेट वगैरह ऐड कर लेंगे। इसी तरह से जैसे पहले हमने ऐड टू ऐड अ टेक्स्ट बुक किया था ना, उसी तरह की एनिमेशन यहाँ से सेट कर लेंगे, और ये चेक कर लेंगे थे कि इसी तरह किस तरह से आपने ये शो करानी है वीडियो के ऊपर, ठीक है। यहाँ से ये सारी एनिमेशन आपको मिल जाएंगी, ये आसानी से हर एक के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने जल्दी से बना लिया,
और अब क्या करना है, हमने ये जो हमने बनाया है इसका हमने लेना है जी स्क्रीनशॉट लेना है। अब हमने ये देख रहे हैं एक दफ़ा इस तरह से आ रही है, हर एक सिंगल के ऊपर भी इफेक्ट एनिमेशन अप्लाई हो जाती है और एक 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 सेंटेंस कंप्लीट के ऊपर भी हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हमने बना ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना जी इसका स्क्रीनशॉट। देख लें आप, हमारा वेन्यू का भी हो गया पूरा हो गया और डेट भी ऐड हो चुकी है और हमारा इवेंट नेम भी वहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो अभी हम स्क्रीनशॉट लेंगे ये आप अपने पहले टास्क में भी दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको दूसरे में दें, पहले में भी दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड है कि लोगो आपने ऐड करना है इसी वीडियो पोस्ट के ऊपर, जो लोगो आपको लिंक पर क्लिक करके मिला था ना ST इवेंट प्लानर का, ये देखें आपके सामने। अपलोड्स पे जाएंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास लोगो है जो इन्होंने दिया हुआ है, ओपन करेंगे और ये हमारे पास जल्दी से अपलोड हो जाएगी और ये हमारे पास आ गया। इस तरह से आपने जहाँ भी इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जैसे मेरे सामने ओपन हो रही है ना, आपके सामने भी इसी तरह होगी। ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना सिर्फ आपने, और जहाँ आपने पेस्ट करनी है वहाँ आप ये पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है, जहाँ भी आपको समझ नहीं आती वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका हमने लेना स्क्रीनशॉट। ये हमारा जो है टैग लग चुका है और इसको हम करेंगे कॉपी और वहाँ पे आपको आगे पेस्ट कर देंगे टैग, सॉरी लोगो जो इसको कहते हैं। उसके बाद थर्ड आपने म्यूज़िक ऐड करना, यहाँ पे हमें म्यूज़िक की ऑप्शन नहीं मिल रही था, हम अपलोड फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपलोड्स पे और यहाँ से हम अपनी अगर डाउनलोड्स में कोई फाइल हुई तो वो हम चूज़ कर लेंगे यहाँ से। तो ये हम कर लेते हैं चूज़, तो ये हमने जल्दी से ये हो जाती है ये अपलोड और यहाँ पर हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा लेनी है। बड़ा छोटा सा काम है, तो इसमें कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। ठीक है, राइट क्लिक के जैसे भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है सिर्फ आपने। ठीक है, और आप इसको प्ले करके देख लें, या ये जो म्यूज़िक है इसको ऐसे लेफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपके पास चार्ज होगा। ठीक है, इस तरह से जैसे भी प्ले हुई है आपने भी इस तरह से कर लेनी है। ठीक है, इसका लेना अब हमने स्क्रीन शॉट ये, ताकि नज़र आए कि हमने जो है ऑडियो वो ऐड कर दी है। उसके बाद ये फोर्थ में पुट करके इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। फाइव में आके आपने वीडियो पोस्ट जो है वो डाउनलोड करनी है। ठीक है, ये आपको शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा था, उस पर आप जाएंगे, डाउनलोड आपको नज़र आएगा, MP4 सजेस्टेड वीडियो है, इस पर आप जाना, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपने याद रखना है जिसके ऊपर एक क्वीन से साइन आए ना, वो आपने करनी नहीं है, यूज़ नहीं करनी, वो पेड है। ये इस तरह से आपकी जो है 5 सेकेंड की वीडियो है और ये इस तरह से चलेगी। और इसका हमने लेना है जी स्नैपिंग टूल के ज़रिए एक स्क्रीनशॉट और अपने 5 वाले जो है टास्क में वो प्रोवाइड कर देना। ठीक है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। और अब आपको बता दूँ कि आपने किस तरह से ये आपकी वीडियो प्ले होगी। ये है जी आपका, इस तरह से वॉल्यूम ओपन हो गया, ये है जी आपके पास इस तरह से, बस इतना सा काम था। वीडियो हमारी हो गई है कंप्लीट और 5 टास्क हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, सॉल्यूशन फाइल जो है। और जैसे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मस्ट है, लाइक करना मस्ट है। अपना रखा गया, अपने साथ रखे दोस्तों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।